मोक्ष दायिनी गंगा का उफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर पार करने के बाद गंगा ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसकी वजह से वाराणसी में गंगा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसके कारण तटवर्ती इलाकों में त्राहिमाम की स्थिति है। बढ़ते जलस्तर की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। हाँ जा रहे हैं। कल यहाँ पानी आ जाए। काशी के सभी घाट और वहां मौजूद मंदिरों के साथ ही शमशान घाट कई दिनों से डूबा हुआ है। गंगा अब घाटों से आगे निकलकर सड़कों पर बह रही है, जिसके कारण सड़कों और गलियों में नावें चल रही हैं। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी शहर की घनी आबादी में घुस रहा है। वहीं निचले इलाकों की रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी पहले ही घुस चुका है, जिसके चलते स्थितियां बेहद खराब है। हालात ये है कि गंगा किनारे कभी सजने वाले पंडा पुजारियों की चौकियां और बनारस की पहचान चौकियों पर लगी छतरियां अब विस्थापित होकर सड़कों पर ही सज चुकी है। सड़कों पर ही सारा पूजन का काम चल रहा है। मंदिरों तक में पानी घुस गया है। हालात धीरे धीरे और खराब होते जा रहे हैं। मैं फोटोग्राफी 12 साल से कर रहा हूं। ये हर साल 2 महीने माँ गंगा यहाँ आते रहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। बस थोड़ा सा दिक्कत होता है घर परिवार को चलाने में, और जिसका रोजी रोटी चलता चलता ही रहता है, जब तक ये इसका सीमित नहीं जाएगा तो कोई रोजी रोटी उतना कार्य से नहीं हो पाएगा। दिक्कत यही हो रही है कि गंगा जी का बाढ़ ऊपर आ गया है, हम लोग अपना चौकी नीचे से ऊपर लेके आ गए हैं, और यहाँ बैठ करके जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी बैठ करके पूजा पाठ करा रहे हैं, और जैसे कोई पिंडदान करता है कोई अस्थि विसर्जन करता है, कोई गंगा जी का पूजन करता है परिवार के कल्याण होते हुए, अपने इच्छा अनुसार लोग जो भी होता है हम ब्राह्मणों को दान दे करके जाते हैं, इसी दान से हम लोग का परिवार का जीविका चलता है। वही गंगा में बाढ़ को देख घाट किनारे रहने वालों की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि खतरे के निशान को पार कर चुकी गंगा घाट किनारे और कई रिहायशी कॉलोनियों को अब तक डुबो चुकी है। वही पुजारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से लोग भी कम आ रहे हैं। वैसे में अब इन लोगों को बस सरकार का सहारा है। इनकी मांग है कि सरकार इनकी मदद करे। बता दें कि पहाड़ों में हुई बारिश और पड़ोसी राज्यों में छोड़े गए पानी की वजह से गंगा में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।